जितने भी उस जमाने में, ये बात कर रहा हूँ लेट 60s की, तो उनके जो म्यूजिक आ गई थी वो सुनता था, बस वो इतना बड़ा फैन था, वो फैनेटिक था बिल्कुल, फैन जो है फैनेटिक से निकला है तो वाकई फैनेटिक था। तो जाहिर है कि नाम से तो कोई भी आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा या थोड़ा भी म्यूजिक के बारे में जानता होगा, कैसे हो सकता है शिव कुमार शर्मा उसने नाम ना सुना हो। लेकिन पहली मेरी उनसे जो फिजिकल मुलाकात हुई वो पंडित जी और शिव जी के साथ ही, दोनों एक साथ थे। हुआ ये कि एक दिन सुबह मैं उठा तो मालूम हुआ नीचे कि यश चोपड़ा साहब आया, तो मैं भागता हुआ नीचे गया। तो मैं यश जी कैसे कहने कि भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और वो साहिर साहब अवेलेबल नहीं है, उनका कुछ बड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और ख़राब मूड में रहते हैं, वो कहते हैं मुझे अब गाने वाने नहीं लिखने हैं। तो मेरा जो हीरो है वो शायर है, तो मैं रेगुलर फिल्म वालों से, सॉन्ग राइटर से गाना नहीं लिखवाना चाहता, आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि तब तक मेरी कोई किताब भी नहीं छपी थी और मेरी पोइट्री कुछ खास सिर्फ धर्म युग में एक बार छप गई थी, वो भी ज़बरदस्ती पुष्पा जी जो थी वो ले गई थी और छपवा दिया था उन्होंने, वरना मैं छपवाता भी नहीं था, आई वॉज अ क्लोसेट पोइट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि मैं तो छपवाता तक नहीं अपनी पोइट्री, आप कहाँ फिल्मी गाना, तो दूसरी बात हो गई, आप तो मुझे बहुत दूर ले जा रहे। मगर यश जी जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए या आदमी के पीछे पड़ जाए तो फिर वो बचती नहीं थी, तो वो हो ही जाता था। तो आखिर इन्होंने मुझे तैयार कर लिया, तो कहले कल आप 10 बजे आ जाइए। अब सारे नखरे तो मैं कर चुका था, लेकिन अगले दिन जब मैं कार में जा रहा था सब 10 बजे, तो मैं बहुत सहमा हुआ था अंदर से कि भाई पोइट्री लिख लेना दूसरी बात है और ट्यून पे गाना लिखना दूसरी बात। तो जब उनका एक गद्दा रूम होता था घर में दाखिल होइए तो राइट हैंड पे, वहीं सारे क्रिएटिव काम हुआ करते थे, तो वहाँ शिव जी और पंडित जी दोनों वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ इनसे मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन उस दिन दोनों से एक साथ हुआ। तो एक ट्यून थी पहाड़ी, तो वो उन्होंने सुनाई मुझे और बहुत अच्छी धुन थी, तो मैंने कहा जी मैं लिखता हूँ। तो मैंने लिखा गाना और शाम के 5 बजे तक पूरा गाना कंप्लीट करके वापस आया। अगले दिन मुझे फिर बुलाया गया, कहले भैया तुम्हारी गाना जो है वो मीटर तो सही है लेकिन जो ट्यून में कर्व्स हैं वो उसमें लफ्ज नहीं फिट होते हैं। अब इसका मुझे चूंकि ज़िंदगी में पहला गाना लिख रहा था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अब माफ़ कीजिएगा, तो बहुत म्यूज़िक जानने वाले लोग बैठे हैं लेकिन समझाने के लिए मुझे गुनगुनाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो आप लोग को बेसिरों लोगों की आदत हो गई होगी, आजकल काफ़ी हैं तो इतना तकलीफ भी नहीं होगी। वो ट्यून कुछ ऐसी थी, रा जो था वो मेरी वर्ड्स में नहीं आता, इसलिए कि तय कर लीजिए रखनी है लाइट के बंद कर देनी है, एक फैसला हो जाए। आज ये कन्फ्यूजन चल रहा है, ये तो पहले ठीक कराइए। हाँ ठीक है। तो अब वो जो कर्व है वो मैंने जो लिखा था देखा है ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए, तो सिलसिले तो नहीं गा सकते आप, खिले हुए ये सिले हुए ये था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है साहब, तो फिर दोबारा लिखा, उसका ये था, दिल ने तेरा नाम गुनगुनाया है, फूल फूल जैसे मुस्कुराया है। तो इसमें वो करवा गया। अब ये देखिए, ये पंडित जी और शिव कुमार जी ही के स्टैंडर्ड के लोग ये बात कर सकते थे, उनका नहीं, मैं तो बिल्कुल नया आया था। कहते नहीं वो वर्ड वही अच्छे, हम ट्यून थोड़ी चेंज कर देंगे। अब ये देखिए, ये मतलब जाते ही मैंने इनका काम बिगाड़ा। तो तब ये गाना, पहला गाना रिकॉर्ड हुआ देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद जाहिर है और भी गाने उस पिक्चर के थे जो मैंने लिखे, और उनसे आपसे पंडित जी से शिव कुमार जी से एक बड़ा अच्छा रिश्ता बनता चला गया। मैं कितनी बार उनके घर गया हूँ, जानती हैं, बैठी हैं बेगम साहब। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छे कश्मीरी घरानों में
जाने से कि सामने हमेशा ड्राई फ्रूट रखे होते हैं, तो मैंने इनके घर के काजू इतने खाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। शिव जी की पर्सनैलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पंडित जी के बड़ा आर्टिस्ट शरीफ आदमी हो, ये बड़ी मुश्किल बात होती है, बहुत बड़ी, ये आसान काम नहीं है। उसकी क्या वजह है कि हर आदमी को, हर इंसान को हर चीज़ का एक कोटा है। भाई इतनी दूर तक भाग सकता है, फिर नहीं भाग सकता, इतना बोझ उठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता है, इतनी दूर तक देख सकता है, उससे आगे नहीं देख सकता, इतनी दूर तक सुन सकता है, इससे आगे नहीं सुन सकता। हर चीज़ का, कोई ट्रेजेडी हो गई तो इतने दिनों गम मनाएगा, फिर गम ख़त्म हो जाएगा, कोई खुशी हुई तो इतने दिनों खुशी मनाएगा, फिर खुशी ख़त्म हो जाए, हर चीज़ का कोटा है। तो कॉमन सेंस ये कहता है पंडित जी कि शराफत का भी कोई कोटा होगा, नेकी का भी कोई कोटा होगा, कि भाई इतनी नेकी कर सकता आदमी, उससे आगे नहीं। अब ये जो फनकार होता है, जो कलाकार है, वो उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो नेकी है, उसके अंदर जो एस्थेटिक्स है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ ब्यूटी है, उसके अंदर जो सच्चाई है, वो उसके काम में जाती है। तो उसके बाद भी उसमें नेकी, सच्चाई और शराफत बचे, मुश्किल बात है, इसलिए कि वो वहां कंज्यूम कर रहा है। तो कितनी ज्यादा इसका बड़ा कोटा होगा इस फनकार का, नेकी का, शराफत का, सेंसिटिविटी का, कि जो इसे इतना इस्तेमाल करने के बाद भी जाती जिंदगी में बाकी है। तो अगर आपको फनकार पर्सनल लाइफ में इररिस्पॉन्सिबल, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट मिले तो कोई हैरत की बात नहीं है। अगर वो बहुत नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, जैसे एक यहाँ बैठे हुए हैं, तो हैरत की बात है। पंडित जी ये तो बहुत कमाल कर रहे हैं आप, ये जो है ये बहुत मुश्किल बात, इसलिए कि जो आर्ट है और आर्टिस्ट है, ये तो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो नहीं रहते। तो अब ये भी देखिए कि जिस तरह का इंसान है, आप गौर से उसका फन देखिए, तो उसमें उस आदमी की शख्सियत आपको दिखाई देगी, और जैसा वो इंसान है उसको गौर से देखिए तो उसके जो फन की खूबी है वो उसमें दिखाई देगी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, इधर उधर चीज़ें जाती रहती हैं। आमतौर से हम लोग जो हैं, हमारे समाज में तो ख़ास तौर से बड़ी कॉमन बात है, हम लोग कुप मंडूक है, मतलब कुएं के मेंढक होते हैं हम, कि एक इंजीनियर है तो उसे इंजीनियरिंग के बारे में सब पता है और उसके बाद कुछ नहीं मालूम। एक डॉक्टर है, आप उसे मेडिसिन के बारे में बात कर लिए, वो क्या क्या बता देगा, फिर उससे आप कुछ लिटरेचर की या म्यूजिक की या आर्ट की बात, उसे कुछ नहीं पता। ऐसे ही फनकार भी होते हैं, उन्हें अपने फन के बारे में सब मालूम है, उसके आगे कुछ नहीं पता। तो ये जो एक कॉमन हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि हम एक चीज़ के बारे में जान गए, बाकी हम कुछ नहीं पता होता, ये कम लोग होते हैं कि जिन्हें दुनिया का भी होश है, अपना भी होश है, ज़िंदगी का भी होश है, और क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सब पे उनकी नज़र होती है। शिव जी दैट वे वॉज अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। शिव जी इतना कुछ तो थे ही ऐसे कि अगर आप कोई भी ज़िंदगी का मसला है, टॉपिक है, पॉलिटिक्स है, कोई सोशल इशू है, कोई यूं ऐसी ट्रेडिशन क्यों बनी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पे वो एकदम ब्लैंक हो, उनकी हर बारे में कोई नॉलेज, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई थॉट थी। जहाँ तक उनके जेंटल होने का, शरीफ होने का ताल्लुक, ये आज एक हमारा लॉ बन गया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हर सॉन्ग राइटर को, हिंदुस्तान के हर म्यूज़िक डायरेक्टर को, हिंदुस्तान के हर म्यूजिशियन को रॉयल्टी मिल रही है जो कभी नहीं मिली थी। मैं इसका सेहरा, हम लोग जो है जिन्होंने काम किया, उससे बड़ा सेहरा अगर है कहीं तो एक पंडित जी के सर पे और एक शिव जी के सर पे। उसकी क्या वजह बताए, ये कहीं भी हो, ये लोग बहुत बिजी लोग रहे हैं और आज भी हैं, मगर जब हमारा किसी मिनिस्टर से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी लीडर से अपॉइंटमेंट होता था कि हम उन्हें समझाएं कि देखिए ये क्या ज़्यादती हो रही है, तो फ़ोन करता था मैं, या तो पंडित जी को करता था
शिव जी को कर, कहीं है एक हैदराबाद में उनका परफॉर्मेंस है, अच्छा भाई मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आ जाऊँगा, ये कहीं है गुजरात में गए, वहाँ से आ दिल्ली आ जाए। इनके आने से क्या होता था कि अगर फिल्म के लोग जाएं, हालांकि वो भी बेचारे काम ही करते हैं, लेकिन उनका समाज में या सियासी दुनिया में वो डिग्निटी, वो स्टेटस, वो ग्रेविटास नहीं जो इन लोग का है। और इनके आने से मतलब जो हम जाते थे वो प्राइम मिनिस्टर भी आपके पास जाते तो खड़ा हो जाता था इन लोगों की वजह से। और इनका कहना कि भाई ये बहुत दाती हो रही है लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हम 50 आदमी बोले तो उसमें वजन नहीं आ सकता था जो अकेले पंडित जी के बोल देने से या शिव जी के बोलने से आता, कि भाई ये कह रहे हैं तो भी ठीक ही कह रहे हो, ये क्रेडिबिलिटी इनकी है समाज में लोगों की नज़र में। और इन्होंने तकलीफ उठा के अपने किस किस कौन से सुबह की फ्लाइट और रात की फ्लाइट और यहाँ से वहाँ से, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की हो या शिव जी से रिक्वेस्ट की हो और उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं आएंगे। ये काम 1.5-2 साल चला है और 1.5-2 साल में इसका नतीजा हमें मिला कि इस मुल्क का कानून चेंज हुआ। तो इतना बड़ा एहसान पंडित जी का जो यहाँ बैठे हुए हैं और शिव जी जो हमारे दिलों में हैं, उनका इतना बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के हर राइटर पे जो गाने लिखता है, गीत लिखता है, हिंदुस्तान के हर म्यूजिशियन पे जो काम कर रहा है किसी भी कैपेसिटी में, भले फिल्म में या नहीं फिल्म में। तो और इसका उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया, ना ये कभी कहते हैं मुझसे कि देखिए हमने